पहले मैंने इसको लिया, इस वाले पीस को, फिर इसको ऐसे जोड़ दिया, फिर एक और ढूंढ रहा हूँ मैंने, एक में कोई नहीं, एक ये वाला मिला तो मैंने इसको इधर जोड़ दिया, फिर एक और किधर है, किधर है, किधर है, एक सेकेंड, एक ये वाला मिल गया, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, फिर एक सेकेंड, मेरे को एक ये वाला पीस मिला, मैंने इसको इधर लगा दिया, अब इसको नीचे कर दूंगा, फिर एक मेरे को ये वाला मिला तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा ऐसे, फिर एक और ये वाला मिला, इसको ऐसे लगा दूंगा, एक ये वाला मिला, इसको इधर लगा दूंगा, एक सेकंड, सही है, ये वाला है, इसको ऐसे लगा दूंगा, नहीं ऐसे, सॉरी ऐसे लगा दूंगा, और एक ये वाला है आखिरी, इसको ऐसे लगा दूंगा, ऐसे मेरी रूबिक्स क्यूब की सबसे पहले लेयर बन गई जो टूट गया था। तो मेरे को ग्रीन और रेड का एक कलर मिला है, मैं इसको इधर लगा दूंगा, एज को ऐसे इधर, फिर एक रेड और ग्रीन का मिला है, इसको रेड और सॉरी रेड, एक ब्लू ऑरेंज और ब्लू का पीस मिला है, इसको इधर लगा दिया, ऑरेंज और ग्रीन का मिला है, इसको ऐसे इधर लगा दिया, और आखिरी रेड और ब्लू का मिला है, इसको ऐसे लगा दिया, ये ऐसे मेरी पूरी सेकेंड लेयर डन हो गई। फिर आखिरी ये एजेस बचे हैं, इनको लगाना है, ऐसे एक लगा दी, एक पहले से लगी हुई थी तो ये दूसरी लगा दी, और फिर एक ये री, इसको ऐसे लगा दी, अब आखिरी इसके कॉर्नर्स बचे हैं तो ये एक ये रहा, इसको ऐसे अंदर एक ऐसे लगा दिया, आप सही है, एक ये वाला मिला है मेरे को कॉर्नर, इसको एक ये वाला लगा दिया, और एक ये वाला मिला है इसका, ये एक आखिरी वाला है, तो मैंने लगी नहीं रहा यार ये तो अंदर, इस वाले को निकालते हैं, अब मैं इसको पूरा अच्छी तरीके से तैयार कर चुका हूँ, ये देख लीजिए।